नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ड। आप सभी भावी अध्यापकों का हार्दिक स्वागत है, तहे दिल से अभिनंदन है। अगर आप अध्यापक पात्रता परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं तो ये एनवायरनमेंट के 1 से 50 क्वेश्चंस को देखकर ही जाइएगा। इन ट्रिपिकल क्वेश्चंस को 10-10 के सेट में शामिल किया गया है। 1 से 10, 11 से 20, इस तरीके के 5 सेट आपको मिलने वाले हैं। फास्टली तरीके से इसको रिवीजन करते हैं, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में बने रहिएगा और बहुत बहुत स्वागत है आपका। बता देते हैं, यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, साथ ही साथ में आप अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिएगा। लेवल बढ़ता जाएगा, एक अप लेवल होगा, फिर जो है उससे भी हार्डर लेवल होगा, इस टाइप में देखिएगा। यहाँ पर पर्यावरण के लिए कौन सा खतरा है, ये पूछा गया है। बढ़ते पौधे, बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ती फसलें या फिर बढ़ती प्रौद्योगिकी। राइट आंसर इज बढ़ती हुई जनसंख्या। नॉर्मल क्वेश्चन था, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसलिए क्योंकि एनवायरनमेंट आपका सब्जेक्ट है, जो आपका सेक्टर काफ़ी मजबूत होना चाहिए। पर्यावरण शब्द किससे लिया गया है, कौन सी भाषा है, या फिर वो अंग्रेजी है, लैटिन है, रूसी है या फिर फ्रेंच है। तो राइट आंसर इज फ्रेंच। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आप कभी नहीं भूलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भैया ये बताइएगा कि तृतीय जो क्वेश्चन है, पृथ्वी का वह हिस्सा जहाँ जहाँ जीवन यापन होता है उसको क्या माना जाता है। तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि स्थल मंडल। देखिएगा, यहाँ पूछा है जीवन यापन होता है। जब भी जीवन की बात आती है तो 3 चीज़ें मिलती हैं। जब जीव मंडल बनता है तो उसको कहेंगे जीव मंडल। स्थल, जल और वायु को ही हम जो है इस रिलेट कर पाएंगे, तभी जीवन संभव हो पाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर जीवन संभव है तो उसको कहाँ लगाएंगे, जीव मंडल। लेकिन अगर स्थल मंडल की अगर बात की जाए तो कहाँ पर आंसर होगा, देखिएगा। कहता है चौथा जो क्वेश्चन है, पृथ्वी की ऊपरी परत जो मनुष्य जीवन की मदद करता है, यानी मनुष्य के जीवन में मदद जो करता है वो सक्षम है, कौन सी परत होती है। तो यार वो बोलेंगे दोस्तों यहाँ पर स्थल मंडल, ठीक है, जो मदद करता है, जिस पर जो है जीवन यापन होता है। लेकिन अगर जीवन का जो सिलसिला है, पूरा स्ट्रक्चर है, वो कहाँ पर होगा, स्थल, वायु और जल को मिलाकर जो है जीव मंडल में आएगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में पानी कहाँ कहाँ पर गैस, तरल और ठोस के रूप में उपलब्ध है। देखिएगा, क्वेश्चन का लेवल बढ़ने लगा है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर पूछा है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में पानी कहाँ पर गैस, तरल और ठोस के रूप में उपलब्ध है। तो आपको बताना है ओजोनोस्फियर है, स्थलमंडल है, जीव मंडल है या हाइड्रोस्फियर है। जब पानी की बात करिए तो यहाँ पर राइट आंसर लगाएंगे हाइड्रोस्फियर, ठीक है। अब पूछा गया है कि पृथ्वी का जो कुल सतह है, यानी जो कुल स्ट्रक्चर है, उसमें जो है जल मंडल वाला भाग कितना परसेंट है। तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन मैंने ले लिया था। अगर आपको 71 मिलता है तो 71 मारिएगा, अगर आपको 70 मिलता है तो 70% मारेंगे, ठीक है। अगर बात करते हैं सातवें क्वेश्चन की भैया, कि निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा स्थल मंडल में सबसे बड़ा घटक है। सबसे बड़ा घटक पूछा है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा स्थल मंडल में सबसे बड़ा घटक है, ठीक है। इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है भैया, ऑक्सीजन बोला जाता है। किसको, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा, ये सतह हमारी, इस पर जो है सबसे ज़्यादा अगर क्या पूछा जाए कौन सा है तत्व, तो ऑक्सीजन हो जाएगा। 1 से 10 क्वेश्चन के बाद जो है थोड़ा सा लेवल और उठेगा। देखिएगा, 8वां क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पुराना NGO आधारित संरक्षण अनुसंधान केंद्र जो कौन सा है। जो यहाँ पर पूछा है कि सबसे पुराना NGO आधारित संरक्षण अनुसंधान, ठीक है ना, संरक्षण अनुसंधान केंद्र पूछा है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, यानी BNHS, ठीक है। ये सबसे पुराना NGO है आधारित किस पर, संरक्षण अनुसंधान, ठीक है ना, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई सलीम अली का किस क्षेत्र से संबंध रखते थे। भाई सलीम अली जो है पर्यावरण क्षेत्र से संबंध रखते थे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन बहुत सारे बच्चों को नहीं आता होगा। यहाँ पर भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण यानी BSI, मैं कह रहा हूँ कि BSI का मुख्यालय पूछ लिया है। तो यहाँ पर मुख्यालय क्या हो जाएगा, 10वें नंबर का क्वेश्चन जो है आंसर आपको देना है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। यानी BSI का मुख्यालय, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का जो मुख्यालय है वो है आपका कोलकाता। जल्दी जल्दी से अगर आपको कुछ क्वेश्चंस नोट करने हैं तो फिर लिख लीजिएगा। देखिएगा, लेवल अप हो रहा है, अब कठिन लेवल अप हो रहा है अब। और अब देखेंगे 11 से 20 तक के क्वेश्चन, और 20 के बाद फिर से एक जो 21 से 30 में आएगा उसका लेवल अधिक जो है अप होने वाला है, अधिक कठिन प्रश्न होने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी ZSI की स्थापना कब हुई। मैं कह रहा हूँ भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, सन एक पूछा जाता है, इसलिए सन को सारे नोट कर लेना, ठीक है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण
ZSI की स्थापना कब हुई, ये हमारी पहली क्लास है और इसके अलावा जो है सारी क्लास अपडेट हो जाएंगी आपको। अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं तो सारी क्लास अपडेट हो चुकी होगी, प्लेलिस्ट चेक करते रहिएगा। यहाँ पर आपको टीचर बनाना मेरा मकसद है, इसलिए वही चीज़ें लाऊँगा जो आपके लिए बेहतर होंगी, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर ए 1952, 1984, 1916 या 1986। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन था कि भाई भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी ZSI की स्थापना जो है 1916 में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देख लेते हैं, अगर इसको हम छोटा कर लेते हैं, छोटे क्वेश्चन की स्क्रीन पर देखेंगे, भारतीय वन्यजीव संस्थान यानी WII देहरादून की स्थापना का उद्देश्य क्या था, यानी देहरादून में स्थापना हुई इसकी, ठीक है, माफी चाहेंगे, यहाँ पर देहरादून में स्थापना हुई है, तो भारतीय वन्यजीव संस्थान जो है इसका उद्देश्य पूछा है, तो उद्देश्य दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, वन्यजीव प्रबंधन में वन विभाग के अधिकारियों और अनुसंधान के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए। भाई वन्यजीव में अगर हम खोलेंगे तो उनमें वन विभाग भी जो होगा और उनके अधिकारी भी होंगे, अब अधिकारी के लिए हम क्या करेंगे, प्रशिक्षण देंगे, तो प्रशिक्षण किसके लिए दिया गया भाई, भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में उसको प्रशिक्षण के लिए यहाँ पर उसका उद्देश्य था। अब बात करते हैं यहाँ पर ऊर्जा के नवीकरण स्रोत के, अब ऊर्जा के नवीकरण स्रोत में ऑप्शन है केवल यूरेनियम, जीवाश्म ईंधन और यूरेनियम कोयला एवं बायोमास या उपरोक्त सभी। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं नवीकरण में कोयला और बायोमास लगाने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर दोस्तों आप गलत हो जाएंगे, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा केवल यूरेनियम हो जाएगा नवीकरण स्रोत, ठीक है। एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल वीडियो बोर्नवीटा की तरीके से है आपके लिए, काफ़ी बेहतर रहेगी ये रिवीजन, फास्ट रिवीजन ये है आपका। जीवाश्म ईंधन मुख्य रूप से बना होता है, किससे बना होता है, यानी 14 नंबर क्वेश्चंस का आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 14 नंबर आंसर हो जाएगा कार्बन। जब भी पेड़ पौधे हजारों साल दबे रहते हैं, अगर मिट्टी में दब जाते हैं, टीले में दब जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, कार्बन की मात्रा पाई जाती है, जिसमें पौधे जो है उनका आयु निर्धारण किया जाता है कार्बन से, कार्बन डेटिंग, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगर पृथ्वी की आयु निर्धारण की जाए तो यूरेनियम डेटिंग, जीवाश्म ईंधन की बात करी गई है तो कार्बन यहाँ पर जो है मुख्य रूप से बना होता है, ठीक है। पन बिजली की श्रेणी में कौन कौन से आते हैं, तो पन बिजली की श्रेणी में नॉर्मल सी बात है कि ऊर्जा के अच्छे स्रोत, कभी गैर अच्छे स्रोत मत लगाइएगा, ऊर्जा के अच्छे स्रोत। अब अच्छे स्रोत क्या होते हैं, अच्छे स्रोत वो होते हैं जो पृथ्वी में जो है वातावरण के प्रदूषण को कम करते हैं। अब वातावरण के प्रदूषण को कम करने के बजाय वो ये भी करते हैं कि भाई जो हमारा पृथ्वी भूमंडलीय ताप है, वो जो गर्म हो रहा है, उसको कम करा जा सके कैसे भी, ठीक है, कम किया जा सके, याद रखिएगा। उसी के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि भाई कोयले की निम्नलिखित श्रेणियों में से किसकी गुणवत्ता बेहतर होती है, यानी सबसे अच्छा कोयला कौन सा किस्म का होता है। तो आपके सामने चार किस्म के, तीन किस्म के कोयले हैं, इसमें से सबसे अच्छा बताना है। तो यहाँ पर लिग्नाइट, बिटुमिन्स, एंथ्रेसाइट, ये तीन कोयले के जो है आपके अच्छा कोयला कौन सा है, एंथ्रेसाइट यहाँ पर कोयला सबसे अच्छा हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं आपको सारी क्वेश्चन जो है समझ में आ रहे होंगे, तो एक लाइक का बटन प्रेस कर दीजिएगा। बहुत सारे बच्चे जो है अभी तक नए हैं, उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अपना सपोर्ट दिखाने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिएगा, जिससे जो है हम भी बेहतर प्रयास करते रहें, ठीक है। जलता कोयला पर्यावरण में क्या छोड़ता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टॉप मोस्ट क्वेश्चन है। अब बहुत सारे क्वेश्चंस को कार्बन डाइऑक्साइड तो पता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में क्या है, ये क्वेश्चन है, जलता कोयला पर्यावरण में क्या छोड़ता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन या फिर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। जलता जो कोयला है वह प्रदूषण जो है सल्फर के साथ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक गैर अच्छे स्रोत है, गैर ऊर्जा का अच्छे स्रोत जो है हो जाएगा यहाँ पर, गैर अच्छे ऊर्जा का स्रोत यहाँ पर पूछा है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर आप लगाएंगे 18 नंबर का क्वेश्चन जो है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर कोयला जो है ए नंबर हो जाएगा, ठीक है, गैर पूछा है तो ए हो जाएगा, वन और पानी, वन्य जीव आ जाता है अच्छे ऊर्जा में, ठीक है, वन्य जीव पानी और वन अच्छे ऊर्जा में है, जबकि गैर है कोयला में। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का एक अच्छे स्रोत, ऊपर गैर पूछा था लेकिन इसमें अच्छे स्रोत पूछा है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर 19 का हो जाएगा बायोमास ऊर्जा, ठीक है, बायोमास ऊर्जा। अगर वन और पानी होता तो हम उनको लगाते, लेकिन यहाँ पर वन बायोमास ऊर्जा थी तो वहाँ पर लगा दिया। निम्न में से किसके द्वारा अच्छे ऊर्जा स्रोत से अधिकांश नुकसान होता है,
अक्षय ऊर्जा स्रोत से अधिकांश नुकसान किससे होता है, ये पूछा है। तो यहाँ पर अविश्वसनीय आपूर्ति जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे आंसर अत्यधिक प्रदूषण भी गलत है, उच्च चल लागत भी गलत है, उच्च अपशिष्ट निपटान लागत भी अलग है, ठीक है ना। आप थोड़ा सा अप लेवल और बढ़ता है। अब इसमें जो है आपके पूछे जाएंगे कि भैया एक जो है ऑप्शन इस तरीके से होंगे कि भाई एक या दो ऑप्शन सही है, दो या तीन ऑप्शन सही है। अब यहाँ पर जो है इसमें ऑप्शन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कण पदार्थ के भाग हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा छोटा करते हैं क्वेश्चंस को। पूछा गया है 21 नंबर में कि भाई निम्न में से कौन सा कण पदार्थ के भाग हैं। तो सल्फेट नाइट्रेट, अमोनिया सोडियम क्लोराइड, ब्लैक कार्बन, खनिज कण और पानी। तो यहाँ पर एक, दो और तीन दोनों हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो फिर अभी आगे और करने वाले हैं क्वेश्चंस को। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि भाई भारत में जो वायु की गुणवत्ता जांची जाती है उसमें कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन शुरू करा है। तो यहाँ पर सफ़र एयर जो है यहाँ पर शुरू करा गया किसके लिए, वायु की गुणवत्ता को, वायु प्रदूषण की जाँच करने के लिए कौन सा है ऐप, मोबाइल एप्लीकेशन, सफ़र एयर, ठीक है, याद रखिएगा। 23वां क्वेश्चन जो है आपको एक दो तीन मतलब जो है ऑप्शन में रहेंगे। कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन वायु गुणवत्ता की जांच के लिए शुरू किए गए मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में सत्य है। भाई अभी तो हमने ऊपर क्वेश्चन ये कहा था कि कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन था, तो हमने कहा कि भाई ये सफ़र ऐप है, सफ़र एयर है। तो सफ़र एयर को जो है हमने मोबाइल एप्लीकेशन की श्रेणी में रखा, किसकी श्रेणी में, वायु गुणवत्ता को जाँचने के लिए है, किसकी श्रेणी का, वायु को जाँचने के लिए, ठीक है। अब कह रहा है कि भाई एप्लीकेशन में बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो अब हम देखेंगे इस एप्लीकेशन को पृथ्वी विज्ञान MOES द्वारा शुरू करा गया था। तो केवल ये ध्यान रखना कि ये बिल्कुल कथन सही है। जो सफ़र एयर है वो किसके द्वारा करा गया था, लॉन्च करा गया था, भाई पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय यानी MOES द्वारा शुरू करा गया था। अब कह रहा है कि भारत का वायु गुणवत्ता जांचने के मोबाइल का जो सफ़र है वो पूरे महाराष्ट्र में स्थित जो है उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान ने 17 फरवरी 2014 को शुरू किया था। बिल्कुल गलत है दोस्तों, ये बिल्कुल आंसर सही नहीं है, जबकि आंसर यहाँ पर नाम सही है, जबकि ये वाला जो है डेट ही ना सही है ना ही कुछ सही है, ठीक है। लेकिन अगर बात करें कि तीसरे ऑप्शन की, कहे कि निम्नलिखित में से यह एप्लीकेशन सेवा केवल पुणे, दिल्ली और मुंबई के लिए उपलब्ध है। केवल तीन शहरों के लिए उपलब्ध है, कौन कौन से, मुंबई, पुणे, दिल्ली की वायु को जांचने के लिए कौन सा, सफ़र एयर, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो हमने पहला वाला ऑप्शन सही कर लिया था कि भाई इसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने, और एक तीसरा ऑप्शन सही कर लिया था। तो यहाँ पर जो है पहला और तीसरा जिसमें ऑप्शन आ जाएगा वो हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। निम्न में कौन सा एक नाइट्रोजन चक्र में मानवीय हस्तक्षेप से उत्पन्न एक प्रमुख पर्यावरणीय समस्या नहीं है। जो कह रहा है कि मानव के हस्तक्षेप द्वारा कौन सी प्रमुख पर्यावरण समस्या नहीं है, ये पूछा जा रहा है। नाइट्रस ऑक्साइड में वैश्विक तापन में बढ़ोतरी, आम्ल वर्षा में बढ़ोतरी, समताप में ओजोन रिक्तिकरण या सुपोषण। तो ये मानव द्वारा नहीं है, कौन सी, समताप में ओजोन रिक्तिकरण। समताप में तो भाई ओजोन से प्रॉब्लम तो है नहीं, मानव कुछ कर नहीं चल रहा है, लेकिन सुपोषण वगैरह, आम्ल वर्षा, नाइट्रस ऑक्साइड, ये तापन, ये सभी जो है मानवीय हस्तक्षेप हैं। और इसमें जबकि पूछा गया था कि मानवीय हस्तक्षेप समस्या नहीं है, ठीक है। 25वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस प्रभाव नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉप कुछ क्वेश्चंस है और काफ़ी क्वेश्चन जो है इसमें जो है जल वाष्प लगा के आएंगे, लेकिन इसका जो है आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो नाइट्रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन कहते हैं कि मैली में निर्मल पुनरुद्धार योजना के तहत राष्ट्रीय न्यायाधिकरण NGT की सिफारिश पर शुभारंभ किया, भाई कौन सी नदी के द्वारा, यानी यमुना नदी। NGT की बात करें तो अगर कहा है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी NGT की सिफारिश की बात करें तो फिर आप डालेंगे यमुना, ठीक है ना। अब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है कि भारत हर साल 4.3 लाख टन खतरनाक कचरा उत्पन्न करता है। इस खतरनाक कचरे से निकलने वाले दो रसायनों के सीधे संपर्क में आने से मनुष्य की मृत्यु हो सकती है, उन दो रसायनों के नाम क्या हैं। अब बोले कि दो रसायन भैया बता दीजिएगा जो ऐसे रसायन हैं जो अगर संपर्क में आ गए तो मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी। भाई बहुत टॉप के क्वेश्चंस हैं, ऐसे पूरे YouTube पे टॉप के क्वेश्चंस आपको मिल जाएँ तो वीडियो बनाना ही छोड़ देंगे, ठीक है। आपके अगर दो जो आपके तत्व हैं वो कौन से बहुत ज़्यादा हानिकारक हैं जो अगर मिल जाएँ, तो कौन से, पारा और साइनाइड अगर मिल गए तो वो मनुष्य को नुकसान पहुँचाएंगे, यहाँ तक कि मृत्यु हो जाएगी। किस कन्वेंशन के तहत भारत एक, मतलब कन्वेंशन होता है समझौता, के तहत भारत एक तय सीमा, जो समय सीमा है उसके अंदर ODS ओजोन रिक्तिकरण पदार्थ के उत्पादन व खपत को नियंत्रण करेगा।
ओजोन रिक्तिकरण समिति रहे होंगे भी बात की थी, तो कन्वेंशन कौन से समझौते के तहत भैया खपत की नियंत्रण करेगा, तो ये जो है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की, भारतीय उपमहाद्वीप के जल में पाए जाने वाली समुद्री कछुओं की 5 प्रजातियों में से कौन सी सबसे अधिक प्रजाति वाले कछुए हैं, तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा ओलिव रिडले, सबसे ज़्यादा कौन सी है, ओलिव रिडले की प्रजातियाँ जो है भारतीय उपमहाद्वीप में कछुओं की प्रजाति पाई जाती हैं ओलिव रिडले। बहुत टॉप टॉप के क्वेश्चंस हैं, ये टॉप के क्वेश्चंस कहीं नहीं मिलने वाले आपको किताबों में भी। विशालकाय पांडा वर्ल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर यानी WWF का आधिकारिक प्रतीक है, यहाँ बिल्कुल जानते हैं यह जानवर किस देश में पाया जाता है, तो ये जानवर जो है WWF का प्रतीक है। और भाई ये भी पूछ सकता है कि WWF का प्रतीक कौन है, तो आप कहेंगे पांडा, लेकिन अब पूछा जाएगा कि ये जानवर जो पांडा है वो कहाँ पर जो है पाया जाता है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चाइना में, ठीक है ना, चीन में। अब थोड़े से अधिक कठिन प्रश्नों को लेते हैं, यहाँ पर अभी थोड़े से ऐसे प्रश्न लेंगे जहाँ पर पूरे एक्सप्लेनेशन के तहत जो है बताए जाएंगे, एक्सप्लेनेशन देखिएगा यहाँ पर मिल जाएगा पूरा एक्सप्लेनेशन, है ना, सभी क्वेश्चन के नीचे एक्सप्लेनेशन है कि पूरी पूरी जानकारी आप वहाँ पर देख सकते हैं। और फिर 31 से 40 तक क्वेश्चन करने के बाद जो 41 से 50 क्वेश्चन है वो हम करेंगे पूरे पूरे वन रिलेटेड यानी वनों से संबंधित क्वेश्चन। देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ई कचरा ई वेस्ट का कारण है, ई कचरा और ई वेस्ट का कारण क्या है, यहाँ पर आप देखें लेड है, बिल्कुल है, कैडियम भी है, बोरेलियम या ब्रोमाइड्स, ज्वाला मंदक भी है, उपरोक्त सभी आंसर हो जाएंगे यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा, ई कचरे और ई वेस्ट। यहाँ पर आप देखिएगा एक्सप्लेनेशन में लिखा है मैंने ई कचरे ई वेस्ट में लेड मर्क्यूरी कैडियम जैसे घातक तत्व होते हैं, इसलिए डी सही विकल्प है मैंने लिखा है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया कि निम्नलिखित में से कौन से ई कचरे ई वेस्ट का विश्व में मुख्य योगदान रहता है, निम्नलिखित में से कौन ई कचरे ई वेस्ट का विश्व में मुख्य योगदान करता है, ये पूछा है। अब मुख्य योगदान करने में आपके ऑप्शन है कि रेफ्रिजरेटर, फ्रीजर, वॉशिंग मशीन या डिशवाशर, क्या ये हो सकता है, या फिर यहाँ पर देखिएगा ऐसे ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं ABCD, इसको मैं छोटा सा कर देता हूँ आपका ये जो है क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा ई कचरे ई वेस्ट का विश्व में योगदान करता है, तो यहाँ पर आपके चार ऑप्शंस में ये छांटना है कि भाई एक भी है या दो भी है या एक दो तीनों है या फिर तीन और चौथा है, इस टाइप में करने हैं। तो यानी रेफ्रिजरेटर, फ्रीजर, वॉशिंग मशीन या डिशवाशर, ये भी है आपका, ठीक है, और इसके अलावा छोटे घरेलू उपकरण, टोस्टर, काफ़ी निर्माता, लोहा, हेयर ड्रेसर, देखिए हेयर ड्रेसर की बात करें तो ये भी है, और अगर तीसरे की बात करें पर्सनल कंप्यूटर, टेलीफोन, ये सारे चीज़ें जो हैं आपकी इसमें आ जाएंगी ई कचरे ई वेस्ट में आ जाती हैं, ठीक है ना, तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा एक दो और तीन, चौथा आपका नहीं होगा ई कचरे में, ठीक है, गैस सिलेंडर, चिमनी और घरेलू उपकरण जो है ई कचरे में नहीं आता है। अब एक्सप्लेनेशन में जरा जाते हैं, विश्व में लगभग 200 से 500 लाख टन ई वेस्ट जनित होता है, रेफ्रिजरेटर, फ्रीजर, वॉशिंग मशीन, डिशवाशर, छोटे घरेलू उपकरण, टोस्टर, काफ़ी निर्माता, हेयर ड्रेसर, पर्सनल कंप्यूटर, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, प्रिंटर, स्कैनर और फोटोकॉपी ई कचरे ई वेस्ट के मुख्य जो है योगदान करते हैं। सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर बात करते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा ई वेस्ट को सुरक्षित जो है निस्तारण का प्रयोग है, का प्रकार है, ये क्वेश्चन आपके 31 से 40 तक सारे कचरे से रिलेटेड क्वेश्चन है और 41 से 50 तक सारे वन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, तो इस अगर इसको 33 नंबर को हम करते हैं, 33 नंबर में कह रहा है कि कौन ई वेस्ट का सुरक्षित उपचार एवं निस्तारण का प्रकार है, तो यहाँ पर सिक्योर्ड लैंडफिलिंग सुरक्षित विधि का जो भूमि में दबाना है, या फिर जो है भस्मीकरण है या पुनः चक्रण है, तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है ना, पुनः चक्रण भी आ जाता है। अगर बात करें ई वेस्ट को सुरक्षित उपचार एवं निस्तारण मुख्यतः 5 प्रकार से किया जा सकता है, ठीक है ना, पूरे तरीके आपको बता दिए गए हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन में ये है भैया कि निम्नलिखित में से कौन सा विषाक्त तत्व ई वेस्ट में नहीं पाया जाता है, ई वेस्ट यानी कचड़े की बात कर रहा है, कौन सा विषाक्त तत्व जो है नहीं पाया जाता है, तो 34 में जो है आपका आंसर हो जाएगा नियान, ठीक है, नियान हो जाएगा इसका राइट आंसर। ई वेस्ट एक्सप्लेनेशन के तहत ई वेस्ट में पाए जाने वाले विषाक्त पदार्थ लेड, कैडियम, बोरेलियम, लेड ऑक्साइड, बर्कियम, मरकरी, पॉलीविनाइल क्लोराइड और ब्रोमीन है, इसलिए सी ऑप्शन इसका विकल्प हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर जो है सी ऑप्शन हो जाएगा विकल्प। ई वेस्ट का क्या मतलब होता है, अगर ई वेस्ट अगर अभी तक नहीं समझ पाए हैं तो ई वेस्ट का मतलब क्या होता है, ई वेस्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कचरा वेस्ट जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
देखिएगा, एक्सप्लेनेशन कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को लंबे समय तक प्रयोग करने के पश्चात उसको बदलने, खराब होने पर दूसरा नया उपकरण प्रयोग में लाते हैं, तो इस निष्प्रयोज्य खराब उपकरण को इलेक्ट्रॉनिक कचरा या वेस्ट बोल्ट बोला जाता है। इसलिए बी विकल्प सही है, इलेक्ट्रॉनिक कचरा जो है हो जाएगा। कहता है कि भारत यहाँ पर अब जो है भारत के खनिज संसाधनों पर आधारित सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी में देखेंगे कि क्या है 36 से ई वेस्ट में पाए जाने वाले विषाक्त पदार्थ एवं मनुष्य पर जो है कौन से प्रभाव पड़ते हैं, कौन से खराब प्रभाव पड़ते हैं, यानी ई वेस्ट में कौन से विषाक्त जो पदार्थ हैं वो मानव शरीर पर कैसे प्रभाव डालता है। जरा ऑप्शन आपके सामने इस तरीके से हैं कि फेफड़े का कैंसर यहाँ पर जो है होता है क्या भाई 36 नंबर में, तो भाई यहाँ पर डीएनए की क्षति भी होती है, ब्रेन में भी क्षति होती है, फेफड़े, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे उपरोक्त सभी। यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन मैंने लिखा है कि ई वेस्ट में विषाक्त धातुएं पाई जाती हैं जिनको जलाने से उक्त धातुएं उत्सर्जित होती हैं, ठीक है ना, जो परिवेशी वायु में रहकर सांस के माध्यम से शरीर में पहुँचती हैं, अपने अंगों की विषाक्तता से प्रभावित करती हैं, इसलिए जो है सभी अंग जो है प्रभावित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रतिवर्ष सबसे ज़्यादा ई वेस्ट पैदा करता है, इलेक्ट्रॉनिक कचरा वेस्ट जो है पैदा करता है, भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका या फ्रांस? यहाँ पर चाइना हो जाएगा इसका राइट आंसर, सबसे ज़्यादा जो है इसका करता है। विश्व के लगभग 200 से 500 लाख जो है मिलीटन जो है ई वेस्ट जनित होता है, इसमें चीन का योगदान सबसे ज़्यादा है। कैथोड किरण जो है कैथोड रे यानी CRT में कितना शीशा जो है होता है जिसके आमतौर पर पिक्चर ट्यूब कहा जाता है, कैथोड किरण आपने बहुत पढ़ा होगा 12th में, तो यहाँ पर राइट आंसर आप जो है लगाइएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर जो है यहाँ हो जाएगा 4 से 7 पाउंड के बीच में, ठीक है। कैथोड किरण रे यानी CRT एक निर्वात नलिका होती है जिसके एक इलेक्ट्रॉन बंदूक ऋणावेशित स्रोत एवं एक प्रदीप्त पटल होता है, इसको बनाने में 4 से 6 पाउंड के बीच में शीशा या लेड का इस्तेमाल किया जाता है, इसके लिए डी विकल्प ये सही है। अगर क्वेश्चन नंबर 39 और 40 थोड़े और कठिन क्वेश्चन होंगे, फिर जो है 41 से थोड़े सिंपल क्वेश्चन आ जाएंगे, परेशान मत होइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा PC या TV का सबसे मूल्यवान हिस्सा होता है, अब PC या TV की बात करी है तो यहाँ पर आपके आंसर जो है कैथोड रे ट्यूब में लेड है, या फिर कैथोड योक में कॉपर है, या फिर सर्किट बोर्ड जिसमें चांदी और सोना होता है, या फिर उपरोक्त में से सभी, या फिर कोई नहीं, ठीक है ना, तो कैथोड योक में कॉपर यानी सी आंसर हो जाएगा। कैथोड योक में कॉपर एक प्रकार का चुंबकीय लेंस है जिसका प्रयोग कैथोड किरण ट्यूब के पूरी स्क्रीन पर लंबवत एवं क्षैतिज रूप में इलेक्ट्रॉन किरण को स्कैन करने के लिए किया जाता है, इसके लिए सी विकल्प सही है। अगर बात करें नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की ई कचरे में से संबंधित, अब 41 से कुछ सिंपल क्वेश्चंस को लेते हैं। ई कचरे या ई वेस्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को जलाने से विषैली गैस उत्पन्न होती है, ई वेस्ट या इलेक्ट्रॉनिक कचरा पानी मोटे तौर पर फेंके हुए, बचे हुए, टूटे हुए, समय के साथ बेकार हो चुके इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जिनमें इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक सामग्री का समावेश होता है, ए बी दोनों, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, तो यहाँ पर ए बी दोनों हो जाएंगे, ठीक है, मैं कह रहा हूँ ये दोनों हो जाएंगे, दोनों की आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कह रहा था क्वेश्चन ई कचरे या ई वेस्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को जलाने से विषैली गैसें उत्पन्न होती हैं, मैं पूरी ऊपर जानकारी दे चुका हूँ जिससे जो है बहुत सारे अंग भी प्रभावित होते हैं, और सबसे ज़्यादा देश कौन सा करता है उत्पादन, चाइना करता है, ठीक है ना। ई वेस्ट का फुल फॉर्म भी बताया था कि भाई ई इलेक्ट्रॉनिक कचरा जो है बोल्ट होता है ना, वेस्ट होता है, यहाँ याद रखिएगा ई वेस्ट या इलेक्ट्रॉनिक कचरा यानी मोटे तौर पर फेंके हुए, बचे हुए, टूटे हुए, समय के साथ बेकार हो चुके इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जिनमें इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक सामग्री का समावेश होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को जलाने से कंसर्जेंस डाइवेंजोर पैराडॉक्सिन यानी TCDD एवं न्यूरोटॉक्सिन्स जैसी विषैली गैसें उत्पन्न होती हैं, जिसे गैसों से मानव शरीर में प्रजनन क्षमता, शारीरिक विकास एवं प्रतिरोधक क्षमता जैसे इम्यून सिस्टम बोलते हैं, इसलिए सी विकल्प यहाँ पर सही है। अब वनों से संबंधित क्वेश्चंस को देखते हैं भाई, गुरुजी वर्ल्ड का जो है यहाँ पर बहुत बहुत एक बार जो है टाइप करा गया है, हर एक एक वर्ड को टाइप करा गया है। देखिएगा निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन है, तो वनों के अगर क्षेत्र में देखा जाए तो भाई मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। अगर बात की जाए निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान मैंग्रोव क्षेत्र में नहीं आता है, मैंग्रोव क्षेत्र में नहीं आता है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यानी उड़पी आ जाएगा, ठीक है। भारतीय परिवहन व्यवस्था पर आधारित सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी, तो भारतीय जो परिवहन है उससे रिलेटेड क्या है कि भाई ज्वारी जंगल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। अब यहाँ पर वनों से संबंधित क्वेश्चन है तो वनों को रखा गया है, भाई ज्वारी जंगल से संबंधित पूछा है कि भाई कथनों पर विचार कीजिएगा। कह रहा है कि इस प्रकार के जंगल, कौन से जंगल, ज्वारी जंगल,
इस प्रकार के जंगल उन दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ नदियों का ताज़ा पानी समुद्र के खारे पानी से मिलता है। अब आपको कहना है कि दूसरा क्या है भाई, कि भारत में इस प्रकार के जंगल मुख्य रूप से उड़ीसा के तट, पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में पाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर केवल एक होगा या दो होंगे, तो दोनों हो जाएंगे। क्यों दोनों हो जाएंगे? ये भी बात सही है कि सुंदरबन के जो डेल्टा हैं क्षेत्र में पाए जाते हैं, कौन से ज्वारीय वन पाए जाते हैं, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तट पर। और ये जो ज्वारीय वन हैं ये कैसे होते हैं? जंगल उन दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर नदियों का ताज़ा पानी समुद्र के खारे पानी से मिलता है। ये भी बात सही है, तो दोनों हो जाएंगे इसके राइट आंसर। उष्णकटिबंधीय सदाबहार जंगल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। ये कह रहे हैं कि भाई उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार जंगल हैं यानी वन हैं, वो संबंधित जो नीचे कथन दिए गए हैं उन पर विचार कीजिए और बताइए कौन कौन से सही हैं। पहला कह रहा है कि भाई जो वितरण है वो कहाँ पर है? पश्चिमी घाटों एवं प्रश्नात्मक जो ढलान है अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर उत्तर पूर्व भारत, पश्चिम बंगाल का पूर्वी भाग और उड़ीसा, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। यानी ये चीज़ आपको बताइए कि जो क्षेत्र है इनका वितरण क्षेत्र है यहाँ पर कैसे हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। बिल्कुल बात सही है कि भाई अगर बात करें ये पूरे भारत है, और अगर इस पर बात अगर हम करा जाए तो अगर हम ये देखेंगे अरुणाचल प्रदेश का ये भाग आ जाता है, और इसके साथ ही साथ अगर हम देखेंगे अंडमान निकोबार का भी ये भाग क्षेत्र आ जाता है, तो इन सभी क्षेत्रों को पश्चिम बंगाल का पूर्वी भाग आ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये इनका वितरण है। इसके अलावा इस जंगल के पेड़ों की लकड़ियाँ जो होती हैं वो सख्त होती हैं, बिल्कुल सख्त होती हैं। ये सदाबहार वन या उष्णकटिबंधीय वनों की एक विशेषता होती है। यानी ऑप्शन नंबर एक और दोनों हो जाएंगे, यानी सी ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, सख्त होती हैं यानी कड़क होती हैं, मजबूत होती हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य प्रतिशत के मामले में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? कौन सा राज्य प्रतिशत के मामले में सबसे ज़्यादा है? अभी तो हमने ये पूछा था कि भाई सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर है, तो डायरेक्ट आंसर कह दिया था मध्य प्रदेश। लेकिन परसेंटेज की बात करी जाए तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी मिजोरम। गीले पर्णपाती वन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। यानी गीले पर्णपाती वन क्या हो जाएगा? इस प्रकार के वन क्षेत्र भारत के वन क्षेत्र का लगभग 70% है और इन्हें मानसूनी वन कहा जाता है। तो क्या कह सकते हैं आप, कौन सा क्वेश्चन है? 46 नंबर क्वेश्चन है, और 46 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं कि गीले पर्णपाती वन से संबंधित कथन पर विचार करने में ये बोला है कि 70% है और ये मानसूनी वन कहा जाता है, बिल्कुल नहीं कहा जाता है। जबकि दूसरा कह रहा है यह मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग और पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं, बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ना तो ए ना तो दो, ठीक है ना, डी ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है जंगलों से संबंधित नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय वन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। हिमालय से संबंधित जो कथन है कि यहाँ भूमध्यवर्ती जंगलों को छोड़कर उष्णकटिबंधीय जंगलों और अल्पाइन जंगलों में पाई जाने वाली लकड़ियाँ मिलती हैं, क्या ये आंसर सही है? क्या ये आंसर सही है? मैं पूछ रहा हूँ 47 नंबर क्वेश्चन की, ठीक है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। साल, टीक, चीर, देवदार, ओक, ओलिव, चेस्टन्स, ऐसी अगर लकड़ियाँ आ जाएँ तो यह लकड़ियाँ जो है यहाँ पर पाई जाती हैं। कहाँ पर? हिमालय वन से, सारी हिमालय वन पर देवदार, क्योंकि यहाँ पर जो है पानी की कमी की मात्रा पाई जाती है क्योंकि पर्वतीय इलाका आ जाता है, और देवदार को और साल और टीक जो है चीर इस टाइप की हैं। कैसी हैं लकड़ियाँ? इसी टाइप की लकड़ियाँ हैं जो अल्पाइन जंगलों में पाई जाती हैं। यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चंस बचे हैं, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। इसने छोटा कर लिया है कि कह रहा है कि सुमेलित करिएगा। अब सुमेलित करने के लिए बोला गया है कि भाई 48 नंबर को सुमेलित करिएगा कि बेम्बनाड कहाँ है, और बेम्बनाड को कहाँ से मिलाएंगे, भीतरकनिका को कहाँ से मिलाएंगे, रत्नागिरी को कहाँ से मिलाएंगे, या फिर कनाडापुरा को कहाँ से मिलाएंगे। अब सुमेलित करने के लिए यहाँ पर ऐसे ऑप्शंस आपको दे देगा, 1 2 3 4 भी मिलेगा, 4 3 2 1 भी मिलेगा, 4 1 3 2 मिलेगा, 1 4 2 3 भी मिलेगा। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है, इसलिए सारे सुमेलित मैंने पहले से ही इसको रखा है जिससे आप गलती करें। इसलिए यहाँ पर रत्नागिरी महाराष्ट्र में है, कनाडापुरा कर्नाटक में है, भीतरकनिका उड़ीसा में है, बेम्बनाड केरल में है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। ए का 1 से है, बी का 2 से है, सी का 3 से है, डी का 4 से है। शुष्क वन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है आपको
कह रहा है कि 49 नंबर क्वेश्चंस में शुष्क वन से संबंधित कथन पर विचार करना है। राजस्थान और हरियाणा, गुजरात और पंजाब के आसपास के इलाकों में पाया जाता है। बिल्कुल पाया जाता है, जो राजस्थान और इलाका है ये वाला भारत है हमारा, और भारत को अगर हम चित्र बनाएंगे तो हमारा ये वाला राजस्थान वाला आ जाएगा, ये गुजरात आ जाएगा, ठीक है ना। ये अगर गुजरात अगर आ गया तो यहाँ पर सारे वन कैसे हैं, शुष्क वन है। कैक्टस, थार्न्स, किकर, बबूल, डेली पम्पास, बबूल खैर आदि जो है प्रजातियाँ पाई जाती हैं यहाँ पर। ये प्रजाति मिल जाती है राजस्थान इलाके में, आप जो है बबूल जैसी जो है बेर जैसी प्रजातियों को आसानी से देख सकते हैं, इसलिए दोनों सही हो जाएंगे और एक और दोनों ऑप्शन सही होंगे। भारतीय वन संपदा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। कह रहा है कि भारतीय मैग्रोव तटीय क्षेत्रों का लगभग 4500 वर्ग किलोमीटर में तथा दुनिया के 5% क्षेत्रों में फैले हुए हैं। सुंदरबन भारत में सबसे बड़ा मैग्रोव वन है और यह यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में जोड़ा गया है। तो दोनों सही हैं, भारत के 5% क्षेत्रफल पाए जाते हैं पूरी दुनिया में और मैग्रोव तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जो मैग्रोव वन वो वन होते हैं जो भारत के आपके देखते हैं सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र में, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो तटीय इलाके में पाए जाते हैं, जो तट को संरक्षित करते हैं, मैग्रोव वन कहलाते हैं, ठीक है ना। इसलिए एक से दोनों क्वेश्चन आंसर सही हो जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ये बताएं कि सब्सक्राइब करने से पहले ये ज़रूर बता दीजिएगा कि क्वेश्चंस लेंदी थे या नहीं थे, आपके क्वेश्चंस कितने जो है 50 में से सही हुए हैं ये बता दीजिएगा। जय हिंद, नमस्कार। आप ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए।